नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले में NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस मानकर जांजगीर जिले के हर चौक चौराहे में चाय भजिया बेचकर बेरोजगारी दिवस मनाया। इसी कड़ी में पामगढ़ अम्बेडकर चौक में भी कांग्रेस की जिलाध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकार, छाया सांसद रवि भारद्वाज, अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश संयोजक सरोज सारथी की उपस्थिति में NSUI के विधानसभा अध्यक्ष निखिल दिव्य के नेतृत्व में सैकड़ों NSUI के कार्यकर्ता अम्बेडकर चौक में भजिया तल कर और चाय बेचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते हुए नजर आए और केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें पद से इस्तीफा देने की मांग की। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय दिव्य, घांसी राम चौहान, बंटी थवाई, प्रदीप बनर्जी, शिखर कौशिक, योगेंद्र साहू आदि कई लोग उपस्थित रहे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पामगढ़ के नेतृत्व में आज मजबूर कर दिए हैं बेरोजगारों को पकौड़ा तलने के लिए। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं देश के, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात बड़ी बड़ी की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अब तक बेरोजगारों को, करोड़ों बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार देने में असफल रही है। आज पामगढ़ के धरती में बहुत से हमारे साथी भाई लोग हैं, हजारों की संख्या में बेरोजगार घूम रहे हैं, आज मजबूर कर रहे हैं पकौड़ा तलने के लिए, चाय बेचने के लिए। और देश के नरेंद्र मोदी जी 15 लाख का सूट पहन के वाहवाही लूट रहे हैं, तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री को तत्काल गद्दी छोड़ना चाहिए और यही हम सब मांग करते हैं। आज जोरदार प्रदर्शन पामगढ़ के युवाओं के साथियों में देखने को मिला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हम छत्तीसगढ़ NSUI उनका जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज हम मजबूर हैं कि हमको सड़क में आके चाय बेचना पड़ रहा है, भजिया छानना पड़ रहा है, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है। तो उनसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो निजीकरण है वो भी बंद करें, जिसके नाम से जो रोजगार जिनको मिला है वो भी अपना रोजगार खो दे रहे हैं। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।